नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। रविवार को 45,065 नए केस आए हैं। ये 96 दिन में सबसे कम केस हैं। इससे कम 39,170 केस 21 जुलाई को आए थे। इसी तरह मौत का आंकड़ा भी बीते 24 घंटे में 460 रहा। ये बीते 106 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 5 जुलाई को 421 केस आए थे। बता दें कि रविवार को 58,180 मरीज ठीक हुए हैं। इसमें एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 13,583 की कमी आई। अब कुल 6,54,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 79,90,000 केस आ चुके हैं। इसमें से 71.33 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.19 लाख संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कोरोना से जुड़ी अपडेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। पिछले 5 दिनों में रिकवरी रेट में 2% का इजाफा हुआ है। 19 अक्टूबर को 87% रिकवरी रेट था, जो अब 79.74% हो गया है। 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 5,000 से कम हो गए हैं। सबसे कम दादरा और नगर हवेली में 51, मिजोरम में 175, अंडमान निकोबार में 204, सिक्किम में 242 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनके अलावा उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, पुंडेचेरी, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, लद्दाख और चंडीगढ़ में भी एक्टिव केस की संख्या कम है। इस दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।